खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदुस्तानी भाव बेबाक बात करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर भी वहाँ खुलकर बोले, सीबीआई जांच पर भी बोले और सुशांत की तारीफ भी की और कहा कि कभी मिलने का मौका नहीं मिला। और रहा सवाल रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो हिंदुस्तानी भाव ने कहा है कि जैसी परवरिश होगी औलाद की वैसी ही औलाद होती है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा हिंदुस्तानी भाव ने। भारत में तो नहीं, पाकिस्तान में अपना तिरंगा लहराना चाहता है। ऐसा है, उधर तिरंगा लहराना चाहता है वापस, क्योंकि क्या है मालूम है, कल बेटे का बर्थडे था, आज बाप का है ना, तो भूल जाते हैं उन लोग, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ऐसा है। तो अच्छा लगेगा उधर, बहुत मजबूत तिरंगा और तुम्हारा भाई लटकाएंगे, अच्छा लगेगा ना, ऐसा है। बोलो भाव, इसके अलावा एक नेशनल न्यूज़ बन गया सुशांत सिंह राजपूत का, जो केस है अब सीबीआई के हाथ में है, क्या कहना चाहेंगे और जिस तरह का ऑडियंस ने सपोर्ट दिया है अब तक, वो कितनी बड़ी जीत है भारतीय लोगों की? नहीं, पहला तो क्या है मालूम है, कहीं ना कहीं तो लोग जानते हैं यार, कुछ ना कुछ किधर ना किधर तो कुछ लपड़ाए, वरना इतना इतना ये न्यूज़ के पीछे कोई नहीं लगता। और मुझे ये नहीं समझता, जब लोग चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो क्यों किसी को प्रॉब्लम हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है। और आपको लगता है कि उनकी डेथ को पॉलिटिकल भी बनाया जा रहा है, जैसे बिहार में अभी इलेक्शन भी है और फिर और क्या करेंगे, मेरे को बताओ क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत से कभी आपकी मुलाकात हुई थी, आपके दोस्त थे कभी? नहीं नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई मेरी, मगर जब भी उनके बारे में सुना तो अच्छा ही सुना, कभी उसका बारे में कभी किसको गलत बोला या कुछ प्रॉब्लम में किसी को, कभी नहीं, अच्छा लड़का था, इसके लिए तो मैं भी उसके लिए इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है ना। हाँ, कौन कौन, रिया चक्रवर्ती, हाँ, देखो किसी के फैमिली के बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है ना, तो उतना वो समझ में आता है कि उसकी औकात क्या है, जो फैमिली सिखाती है, जो संस्कार देती है ना, वैसा वो करता है ना। तो दूसरों के फैमिली के बारे में बोलने से पहला वो सामने वाला पब्लिक जानता है इसकी औकात क्या है ना, ऐसा है। तो वो जल्दी आपको पता चलेगा ना, कौन सही है कौन गलत है, वो समझा। देखो क्या है मालूम है, पहला तो आज पूरा सपोर्ट जो है ना पब्लिक का सुशांत को और सुशांत के फैमिली को है, तो कोई कितना भी बोले पब्लिक को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पब्लिक चाहती है तो ही वो गद्दी पे बैठता है और पब्लिक चाहती है तो उतार देता है, समझा ना। तो पब्लिक बोलेगी क्या करना है क्या नहीं, और कौन क्या बोल रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं, हमको जो करना है हम लोग आगे बढ़े आगे कर रहे हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर से कहो, बेचारे इतना काम कर रहे हैं उनको करने दो, और मैं अकेला और एक बोल के उसको काहे को बेचारे को तकलीफ दूँ, करने दो ना, वो बेचारा इतना अच्छा काम कर रहा है जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो आज कश्मीर में होके बताया ये सरकार ने, जो 70 साल में नहीं हुआ वो राम मंदिर बन के बताया, और क्या करेगा बेचारा, जो आज तक आए उन्होंने सिर्फ आपको इधर लगाया और चाट बोला, चट्टे बेटे, आज ये जो कुछ कर रहा है उसको करने दो बस। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट।